नमस्ते दोस्तों, मेरा विलेज देसी किचन पर आपको बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज हम लोग ना निकले आज मछली पकड़ने के लिए। आज रात में जो हुआ है बहुत तेज बारिश हुआ है, तो ये बारिश में ना बहुत मछली उधर बड़ा एक बहुत बड़ा सा एक पुकर है, पुखड़ी है, तो पुखड़ी में से होता है क्या मछली ना जब बहुत तेज बारिश होता है चल आते हैं उधर वाला खेत पर। तो आज वहीं पर हम लोग जाकर देखेंगे जो कुछ मछली मिल रहे कि नहीं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वहाँ पर जाकर। दोस्तों मछली तो पकड़ने आए, अब मछली मिलेगा कि नहीं जानते हैं क्या मछली मिल रहे। कुकड़ा भी बहुत निकलते हैं, कवई भी आते हैं, अब देखिए क्या क्या मछली मिल रही है। घर से तो निकला। तो दोस्तों यही वाला खेत से देखिए मछली हम खोज कर देखेंगे मिल रहे कि नहीं। इधर साइड में ना बहुत बड़ा सा एक पुकर है, तो ये पुकर में से उधर बड़ा साइड का उधर अब का एक हाइड्रेन भी है। बहुत टाइम होता है ना जो पानी जिधर से जाता है उल्टा इधर मछली चल आते हैं, तो हम लोग पकड़ेंगे। इधर बहुत बड़ा सा पुकर से चल आते हैं। तो देखते रहिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों बहुत कादो भी है इसमें, पानी भी बहुत है। तो देखिए एगो मछली मिला। देखिए ये कौन मछली है, देखिए है, देखिए बाप रे बहुत फेंक दे। संगीता हाँ। भैया के बोले एक झोला लेकर आने के लिए। तो दोस्तों देखिए एक बार और मिला, सब देखिए पुखड़ी में से आ गया इधर। दोस्तों बिस्ती भी बहुत हो रहा, पानी भी हो रहा है दोस्तों, पानी में देखिए पकड़ रहे। दोस्तों देखिए दो जोड़ा मछली हमको मिले, आज यही मछली का रेसिपी बनाकर दिखाएंगे। आज देखिए पानी भी बहुत हो रहा है और भीगेंगे नहीं तबीयत खराब हो जाएगा, खोजने से तो और भी मिलता हमको लेकिन नहीं खोजेंगे, पानी भी बहुत होगी यहाँ। दोस्तों बहुत जोर बारिश आ गई, अब घर जाना है, अब मछली का भी फिर रेसिपी बनाकर दिखाना है दोस्तों। चलो चलो संगीता चलो।
फ्रूट देखिए दोस्तों, ये मछली जो है ना, ये दोनों जोड़ा है, ये जहां भी जाता है जानो साथे साथे ही जाता है, दोनों को ही मिला है हमको। अभी नया पानी में ना ये सब बहुत अंडा देने लगता है, यही अंडा का मछली भी बहुत पानी में होता है। तो दोस्तों इसी का ही रेसिपी हम बनाएंगे ये मछली को, तो इसको काट लेते हैं। देखिए दोस्तों कितना सारा, देखिए पेट में अंडा है। ये मछली जो था ना, ये मादा वाला मछली था, देखिए इसमें पेट पर देखिए कितना सारा अंडा है। यही अंडा सब ही नया पानी में अभी छोड़ता ना तो सारा मछली से भर जाता डोबा सब। देखिए ये अंडा है इसका पेट में। देखिए मछली तो हम काट रहे हैं हंसुआ पर, ध्यान से काटिएगा आप लोग भी। जानते हैं दोस्तों ये मछली ना, हम लोगों को इधर इसको सोली मछली बोलते हैं, आप लोगों को उधर ये मछली का क्या नाम है जो दोस्तों कमेंट पर जरूर बताइएगा। देखिए हमने तो ये मछली को काट लिए, अब इसको ना धो लेते हैं। अब मछली को भी धो लेंगे, हम भी थोड़ा नहा धो लेंगे, पूरा भींगे बरसात के पानी से। तो दोस्तों नहा धोकर मछली धोकर किचन घर पर मिल रहे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये दोनों मछली में से जो अंडा निकला है ना, अभी जो बरसात का जो पानी होता है नया पानी, तो ही नया पानी में ये मछली सब ना, ये देखिए अंडा देता है,
तो हम लोगों का घर का साइड में डोबा भी बहुत है, तो ये डोबा में ये मछली सब देखते बहुत रहता। ये मछली का बच्चा देता तो बहुत मछली होता, लेकिन हम तो पकड़ लिए। हमने देखिए मछली धोकर किचन घर पर चलाए हैं, अब इसको बनाएंगे। तो दोस्तों बनाने के पहले ना इसमें नमक डालते, देखिए हमने ये चम्मच का एक चम्मच थोड़ा सा और लिए, देखिए नमक रख देंगे, हल्दी पाउडर भी दे देंगे और इसको ना अच्छा से मिला देंगे इसको। देखिए दोस्तों हमने देखिए नमक हल्दी मिला लिए, अब इसको ढक के रख देंगे। और ये रेसिपी के लिए देखिए कुछ मसाला हमको पीसना पड़ेगा। हमने देखिए यहाँ पर दो प्याज लिए और देखिए दो अदरक का टुकड़ा लिए और देखिए थोड़ी सी लहसुन लिए जो इसको पीसना पड़ेगा। तो इसको पीसने के पहले दोस्तों हम चूल्हा जला लेंगे, बहुत मोटा मोटा जलानी है ना, तो चूल्हा जलने में लेट लगता है, तो चूल्हा को जला लेते हैं। ये मसाला देखिए पीस लिए हमने, अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। और देखिए चूल्हा भी मेरा जल रहा है, कढ़ाई भी गर्म हो गया, अब इसमें तेल डालेंगे। और दोस्तों ये रेसिपी जो हम बनाएंगे ना सरसों के तेल से बनाएंगे, आपका जो तेल से अच्छा होगा वो ये तेल से बनाइएगा। सरसों के तेल से बनाने से क्या होता है, ये रेसिपी बहुत टेस्ट होता है। तेल मेरा गर्म हो गया, देखिए आप रख देंगे मिक्सी पे, धीरे धीरे डालिएगा दूर से, तेल उड़ने लग जाए ना। अब इसको देखिए लस्सी लस्सी फ्राई कर लेंगे, देखिए देखिए हमने ये मछली को उलट पुलट के सारा मछली देखिए फ्राई कर लिए, निकाल लेंगे। अब मछली फ्राई किया हुआ देखिए इसमें तेल है, थोड़ा सा तेल और डाल देंगे। देखिए फोरन पर हमने देखिए कुछ काला सरसों दे रहे, साबुत जीरा देखिए थोड़ी सी लिए वो भी डाल देंगे फोरन में। देखिए पिसा हुआ पेस्ट इसको भी डाल देंगे। देखिए हम इसको एक मिनट तक भून लिए, बहुत अच्छा सा खुशबू आ गई इसमें से। अब इसमें मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर देखिए हाफ चम्मच, मिर्ची पाउडर डेढ़ चम्मच दे रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को जैसे तीखा पसंद होगा उसी हिसाब से दीजिएगा। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काला मरीच का पाउडर देखिए हमने हाफ चम्मच लिए, इसको भी डाल देंगे। देखिए एक चम्मच हमने लिए कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, कलर होने के लिए देते हैं। आधा गिलास देखिए वो मसाला जो धोकर पानी रखा था वही डाल देंगे। अभी मसाला को ना हम जा तेल नहीं निकल जाते मसाला से, तो इसको भूनते रहेंगे। देखिए कितना अच्छा से देखिए मसाले में से तेल निकल गए, अच्छा से भुना गए। अब इसमें पानी रख देंगे एक गिलास का, देखिए हम इसमें पांच गिलास पानी रखेंगे। चार गिलास देखिए एक गिलास का डाला, ये गिलास पांच गिलास हो गए।
देखिए ये चम्मच का हमने 1.5 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे दोस्तों। नमक दीजिएगा अपना अपना हिसाब पर दीजिएगा, कम भी होगा ना तो ऊपर से डालकर भी खा सकते हैं, ज्यादा हो जाने से अच्छा नहीं लगेगा। गैबी देखिए खोल रहे हैं, अब इसमें मछली सब डाल देंगे। देखिए सारा मछली को देखिए हम ग्रेवी में डाल दिए, अब इसको तेज आंच करके 10 से 15 मिनट इसको अच्छा से खौला लेंगे। देखिए हमने कुछ हरी धनिया का पत्ता देखिए काट के रखा है, इसको भी छीट देंगे, बहुत टेस्टी रेसिपी हो जाएगा। देखिए मेरा ये मछली बनके रेडी हो गया, अब उतार लेंगे इसको। देखिए दोस्तों ये मछली का रेसिपी बनके रेडी हो गया दोस्तों। और मेरा ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे होगा तो एक लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। इसी तरह नया नया वीडियो आप सबका पास भेजते रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों आज का वीडियो इतने भर रहेगा, मिल रहे एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।